दोस्तों, क्या आप सच का सामना करने के लिए रेडी हो? तो दिल थाम के बैठ जाओ। पिछली बारी वीडियो में मैं विंडोज 11 का एक नया वर्जन 23H2 इसका जिक्र किया था। अब नया वो भी विंडोज 11 में, ये बात गरम तेल की तरह कान में पड़ते उछलना स्टार्ट मत कर देना। रुको भाई, बात अभी खत्म नहीं हुआ है। माना कि विंडोज 11 बड़ा है लेकिन उसका अपडेट छोटा है, और उससे भी बड़ा उसका बग्स है। अब किसका छोटा है किसका बड़ा है इसको छोड़। आपको विदाउट बग्स वाला अपडेट चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको भी मिलेगा, सबको मिलेगा भाई नया अपडेट फ्रॉम माय चैनल। असल में बात ये है कि विंडोज 11 22H2 का अभी कुछ अता पता नहीं है, 21H2 में बग्स भरा पड़ा है। अभी भी कुछ कुछ एप्लीकेशन के साथ ये पूरी तरीके से कंफर्टेबल नहीं है। मैंने खुद फील करा है इस चीज को। विंडोज 10 में केमटश ये बहुत स्मूथली रन हो जाता है, लेकिन विंडोज 11 में जब मैं सेम एप्लीकेशन को रन करता हूँ, काम करने जाता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा नहीं काफी घिस घिस के काम करना पड़ता है। सच कहूँ तो पसीना निकल जाता है माउस को रगड़ रगड़। अब मेरे पीसी के साथ ऐसा नहीं है कि रैम बहुत कम है, प्रोसेसर बहुत पुराना है। यहाँ पे काफी ज्यादा रैम है और प्रोसेसर भी उतना पुराना नहीं है। इसके अलावा भी मेरे पीसी में SSD भी लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे क्या ही बताया जाए। ऐसे में विंडोज 11 इनसाइडर डेव चैनल में ज्वाइन करके 2023 में 23H2 इस वर्जन को रिसीव करके इंस्टॉल करना खतरों से खाली नहीं है। अब ये सब चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट कुछ हिंट दिया है। यहाँ पे पहले देखिए, डेव चैनल और बीटा चैनल दोनों का बंटवारा हो चुका, क्योंकि विंडोज 11 23H2 ये जो वर्जन है, सबसे पहले डेवलपर चैनल में जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा, और इसके अंदर बहुत सारा बग्स होंगे। पीसी क्रैश हो सकता है, ब्लू स्क्रीन एरर आ सकते हैं, यहाँ तक आपका जो पीसी है वो डेड भी हो सकता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे डेव चैनल से बीटा चैनल में जाने का दरवाजा भी खोल दिया गया था, ताकि जो लोग गलती से वहाँ पे पहुंच गए थे, यानी कि विंडोज इंसाइडर प्रोग्राम को ज्वाइन करके डेवलपर चैनल को यहाँ पे रिसीव कर लिया है, उन लोगों को फिर से उस जगह से निकलने का एक मौका मिल जाए। क्योंकि इस चैनल में आपको बहुत ज्यादा खतरा रहता है, बहुत बग्स भी देखने को मिलता है। अब हाँ, अगर आप एक डेवलपर हो, एप्लीकेशन डेवलप करना आपका हॉबी है, तो आप यहाँ पे बेशक विंडोज 11 का 23H2 इस वर्जन को अपना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि रिसीव कर सकते हो, लेकिन आपका मेन पीसी को छोड़ के। अगर मेन पीसी पे कर रहे हो तो भी आप डुअल बूट में करने की कोशिश करो, और डुअल बूट में करने से पहले आप ये चीज इंश्योर करो कि आपका जो मेन विंडोज है ना, उसका एक रिकवरी इमेज आपके पास होना चाहिए। अब रिकवरी इमेज कैसे जनरेट करना है, कैसे क्रिएट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी एक वीडियो बना के रख चुका है। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, आप उसको देख के कर लेना, ताकि पूंगी बजने से पहले आप एक कदम आगे रहो। अगर आप कंप्यूटर्स का एक डेली यूजर है, सिर्फ बेसिक काम करते हो आप अपना कंप्यूटर में, आपके साथ विंडोज इंस्टॉलेशन, फॉर्मेट, बग्स, ये सब चीज का दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता ही नहीं है, मतलब इसके बारे में आपको कुछ जानकारी नहीं है, तो आप ये चीज मत करो। लेकिन अगर आपको सीखना है तो मेरे चैनल को आप एक बार नजर घुमाओ, आपको बहुत सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप मास्टर बन जाओगे। देखो भाई, उड़ता हुआ तीर आपके पास आ रहा था, मैंने बस बता दिया। अब तीर पे बैठ जाओ या तीर की तरफ तशरीफ को घुमा दो, आपकी मर्जी। अपना पीसी के साथ चाहे आप जो भी करो, मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन है उसमें तीर जरूर मारना।